अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। बताओ क्या बात है? तोमर साहब, दरअसल बात कुछ ऐसी है। मेरे दुकान के मालिक ने आज मुझे अपने घर पे बुलाया था और उसने मुझसे कहा कल के कल दुकान खाली कर दूं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से कहां जाऊं, क्या करूं, कि मेरे मन में एक ख्याल आया। तोमर साहब, आपकी वो छोटी सी जमीन है ना, वो पेड़ के पास, वो तो खाली पड़ी है। अगर आप वो जमीन मुझे दे देते तो मैं अपना दुकान वहां लगा देता और उसके बदले जो भी किराया होता मैं हर महीने आपको दे देता। नहीं देंगे, और तुम जैसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, जिसको ये तक नहीं पता कि उसके हितैषी कौन है और कौन नहीं, और कैसे देगा किराया। हाँ, और किराया मांगूंगी तो उसका नाटक होगा, वो अलग। ललिता भाभी, बहुत उम्मीद से है आप लोगों के पास। अगर आप लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए भाभी। तुम लोग अटल को बोलते क्यों हो? अटल भला किसी का सुनता है क्या? आप लोगों की आंखों के सामने है अटल ने जो किया वो गलत है। अटल को रिश्ता निभाने का अगर इतना ही शौक है तो तोमर साहब इनके संग अटल रंग खेले ना, रंग लगाए उनको। अजी, नहीं देनी है इनको दुकान। ललिता, हम बात कर रहे हैं ना, जगह देने के लिए अगर सबसे बेहतर आदमी कोई है तो वो बब्बन है। जाओ बब्बन, खोल लो दुकान। तोमर साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। हम भूलने भी नहीं देंगे बब्बन, मजाक कर रहा हूं। सच्चाई, अच्छाई, नीति और मर्यादा, ये सब आदमी आदमी के हिसाब से बदलते हैं। ये हिसाब भी याद रखना बब्बन। बाकी किराया मैं ललिता से बात करके बता दूंगा, और रही एहसान की बात, वो मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। तोमर साहब, मैं वचन देता हूँ, एहसान और किराया चुकाने में बब्बन कभी पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। आइसक्रीम वाला, मलाई कुल्फी आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। चाचा जी, ये क्या मजाक है? आइसक्रीम वाला। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling a lie. No, Papa. Open your mouth. Papa. 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 Papa, मुझे ice cream खानी है, Papa. No, no, beta. Eating ice cream. No, beta. No, 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 Papa. Eating ice cream. Yes, Papa. बहुत जिद्दी बेटा हो, बहुत जिद्दी हो, hey bro. बेटे आपको ice cream खिलाओ. No, beta. एक लड़का आया, हाथ में ये बॉक्स रख के चला गया। अरे तो खोल के देख लो, हो सकता है कि अंदर माल हो। ओह नो, इसमें बम भी तो हो सकता है। एक काम करिए, इसे आप रख लीजिए। अरे हम काहे रख लें, आपको पकड़ा के गया तो आप पकड़ो। आप रख लो, हो सकता है इसमें कोई माल वाल हो। लेकिन हो सकता है कि कोई बम हो। मतलब खुद पे आई तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक काम करो, इसको पुलिस के हवाले कर दो साहब। पापा पापा, इसमें क्या है? बेटा ये तुम्हारे खेलने वेलने की चीज नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ हो, इसलिए पहले हम तुम्हें स्कूल छोड़कर आएंगे और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। यार हमारी एंट्री कब आएगी? हम नहीं चाहते कि लोग गोरी मैम को चोर बोले, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ठहर जाओ। टोपी वाले बाबू जी, यू आर अंडर अरेस्ट। हमें क्यों अरेस्ट करना चाह रहे हैं आप? काहे से तुमने जो ज्वेलरी को बॉक्स चुरा हो? नो, नहीं, मेरे पापा चोर नहीं है। मेरे पापा चोर नहीं है। हमने कोई ज्वेलरी का बॉक्स नहीं चुराया। एक लड़का आया, हमारे हाथ में रख कर ये चला गया। अगर यकीन नहीं है तो बड़ू से पूछ लीजिए। अरे हमको क्या मालूम, हम तो बिटिया को जो आइसक्रीम खिला रहे थे। क्यों बिटिया? लो तुम्हारी तो भोल 2 मिनट में खुल गई। अब बताओ, तेरी थाने में ऐसी हालत करेंगे कि तेरी साख पूछते हैं। कभी जिंदगी में चोरी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, चल थाने। ए, मेरे पापा को छोड़ दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बताओ, जब इतना भर की बिटिया हमारा खून पिएगी? मेरे पापा चोर नहीं है, चोर तुम हो। तुम हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने इस टप्पू सिंह को रिश्वत नहीं दी, इसीलिए ये हमारे साथ बदला निकाल रहा है। मैं तेरे खून पी जाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम हैं पिंकी। हमारी वाली पिंकिया। शेम टू शेम। बैठो ना, बैठो। हाँ, थैंक अस टू यू। वो पिंकिया क्या है कि यकीन नहीं हो रहा है, वो है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि। हाओ हाओ हाओ, हम समझ गए। निकाह है, कहाँ हम कहाँ तुम। तुम में और हम में जमीन आसमान का फर्क है गो। हमने 4 महीने पहले अपना 62वां हैप्पी बर्थडे मनाओ हतो। मैं क्या कह रहा था कि। अरे कुछ मत कहो, हम समझ गए। तुम्हारी हमारी जोड़ी बनी नहीं सकती, इसीलिए हम टाटा बाय बाय कहने आए हैं। तुम जो हो, जैसी हो, मुझे पसंद। पिंटू, हम समझ आए कि हमको देख के सदमा लग गया हो, तभी तुम ये जे ऊट पटांग बक रहे हो। अच्छा, नहीं, हम चलते। नहीं नहीं नहीं, अरे बल्कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती देख के तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। हाँ, और ये मृगनयनी जैसी आंखें कहाँ मिलती है? अरे जगह जगह दुकानों पे लगी पड़ी है, शेल लगी हुई है इन्हें ऐसी आंखन की। अरे हम समझ गए, देखो तुम हमारे चेहरे को देखो, हम पूरे 62 साल के और तुम 40, 30, 25। तुम 62 की? हाँ। मैं 58 का, 4 साल का फर्क। खा गई ना धोखा, अब देखो कमाल। ओ, यकीन नहीं हो। और ये बाल भी नकली है, देखा? इसलिए मैं 20 साल कम लगता हूँ। अरे कुछ भी हो, तुम नकली चीजों की दुकान हो, लेकिन उम्र में जो फर्क है ना, बाकी वजह से जोड़ी ना बन पाएगी। टाटा शी, जोड़ी तो बन गई है, बस तुम्हारी हाँ की देरी है। ना सपीटे, ऐसे कैसे हाँ कह दे? तेरे मुंह में ना दांत, पेट में ना आंत, सर में ना बाल, हाँ कह दे? हमारे दिन इतने खराब ना है। कुछ भी, अब जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। हम चाहते तो हैं तुम आओ हाथ पकड़ लो, लेकिन हम मजबूर हैं। हम हाथ पकड़ेंगे भी ना तो छूट जाएगो। हमारे हाथ ना कांपते हैं, देखो अभी भी कांप रहे हैं। तो जाम से जाम टकराएंगे। वाह, ये तका। तुम कितने खुश मिजाज हो, और हम तुमको बता रहे हैं कि हम बड़े खड़ूस काइयां और एकदम चुड़ैल रहेंगे। हमारी जोड़ी ना बन सकती। टाटा। बन सकती है, क्योंकि जो बात तुम में है किसी और में कहा। हाँ हाँ हाँ, हम चलते हैं, हमें माफ करो भाई, हमारी दवाई का टाइम हो रहा है। टाटा शिव। अरे रुको, नो शिव। अरे मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे इधर ना वेटर, हम रिक्शे से चले जाएंगे। अरे वेटर, अरे कैसे जाएंगे रिक्शा से, मेरी गाड़ी है ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।